नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पे ना इस तरह का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। 200-300 मिलियन तक व्यूज आ रहा है। और भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इस तरह का जो वीडियो है ना वो कैसे क्रिएट करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग अपने ही मोबाइल से कैसे इस तरह का वीडियो क्रिएट करेंगे। आप लोगों को ना ही कोई कॉपी करना है और ना ही कहीं से वीडियो को डाउनलोड करना है, बस अपने मोबाइल की मदद से सिर्फ खुद से वीडियो को क्रिएट करना सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो इसीलिए दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इस तरह के कंटेंट पे व्यूज कितना आता है, और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि इस तरह के कंटेंट का जो चैनल है वो मोनेटाइज होता है कि नहीं होता है, मोनेटाइज है कि नहीं है, सब कुछ फुल डिटेल में दिखाने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के अंदर इसकी यहां पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा। अपने मोबाइल के अंदर मैं यूट्यूब को ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद यहां पे मैं सर्च करता हूं SMR वीडियो, इतना लिखकर मैंने सर्च कर दिया। अब डायरेक्ट मैं शॉर्ट वीडियो पे आ जाता हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई कोई भी अगर इस तरह का कंटेंट क्रिएट करेगा तो पहले शॉर्ट वीडियो को ही क्रिएट करेगा। यहां देखिए 2.5 मिलियन, 54 मिलियन, 1 मिलियन, 79 मिलियन, यहां देखिए 19 मिलियन, 20 मिलियन, और मैं दिखाऊं तो यहां देखिए 1 मिलियन, यहां देखिए 50 मिलियन, यहां देखिए 1.5 मिलियन, 39 मिलियन, 16 मिलियन, 12 मिलियन, यहां देखिए 5,65,000, यहां देखिए 8,74,000। अगर मैं इस कंटेंट को प्ले करता हूं तो यहां पे एक बार इनके आईडी में चला जाता हूं। आईडी में आने के बाद सबसे पहले इनका व्यूज दिखा देता हूं। पॉपुलर व्यूज 24 मिलियन, 7.5 मिलियन, 7 मिलियन, 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 2.5 मिलियन, यहां देखिए 2.5 मिलियन, 1.7 मिलियन, 1.7 मिलियन। अब आप लोग अनुमान लगाइए और इनका जो कंटेंट है ना कितना यूनिक है वो भी मैं दिखा देता हूं। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इनका चैनल मोनेटाइज है कि नहीं। अभी देखिएगा, सबसे पहले मैं कंटेंट दिखा देता हूं। यहां देखिए, यहाँ पे मैं साउंड कम कर दूँ। यहाँ पे देखिए नोटिस करिए, आप लोग अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करिए कि इस वीडियो के अंदर ना ही कोई साउंड यूज किया है और ना ही कोई भाई यहाँ पे अपना एक्टिविटी ऐड किया गया है। बस ये क्या किए हैं कि भाई कहीं और से वीडियो को क्रिएट करके, अपने खुद अपने मोबाइल से क्रिएट करके और उसको भाई एडिट करके अपलोड बस किए हैं। तो आप लोग सोचिए कि जब आप अपना एक्टिविटी ऐड करके अपलोड करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं होगा। यहाँ देखिए मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने वीडियो को स्टॉप किया। अब इनके कमेंट वाले सेक्शन को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने बाद नीचे देखिए मैं एरो डाल देता हूं, डॉलर का सिंबल जो है वो ऑन है। तो दोस्तों डॉलर का सिंबल उन्हीं का ऑन होता है जिनका चैनल मोनेटाइज होता है। भाई ये मायने नहीं रखता है कि उनका ज्वाइनिंग का ऑप्शन ऑन है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग का ऑप्शन ऑन करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज्वाइनिंग का ऑप्शन नहीं ऑन करते हैं। तो यहां पे आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा। अब देखिए इनका जो कंटेंट है कितना ज्यादा यूनिक तरीके से, देखिए यहां देखिए, मतलब ये ऑपरेशन की तरह हो रहा है, कार्टून 3D एनिमेशन के द्वारा दिखाया जा रहा है किसी चोट को या किसी टूटे फूटे को कैसे ठीक किया जाता है उसके द्वारा दिखाया जा रहा है। अगर मैं इनका लॉन्ग वीडियो दिखा दूं तो इस पर भी भाई बहुत ही ज़्यादा व्यूज आता है, देख सकते हैं। ये तो एक साल से अपलोड नहीं कर रहे हैं लॉन्ग वीडियो, क्योंकि शॉर्ट पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 मिनट का वीडियो पे भाई 1,80,000 व्यूज गया है, 3 मिनट 14 सेकंड की वीडियो पे 46,000 गया है, 3 मिनट 1 सेकंड के वीडियो पे 61,000, फिर 74,000, इसी तरह से गया है। और जो यहाँ पे इनका जो है ना थैंक्स का ऑप्शन वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले नीचे आता हूँ, यहाँ देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं थैंक्स का ऑप्शन ऑन है। तो अब आप लोग को तो यकीन हो गया है। तो अब आप लोगों को मैं कंटेंट भी दिखा दिया हूँ और आप लोगों को व्यूज भी दिखा दिया हूँ कि कितना ज़्यादा व्यूज आता है। अब मैटर ये है कि भाई आप लोगों को क्रिएट कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों उसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो मैं ऐसे एक यूनिक तरीका बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप लोग अपने वीडियो को नेक्स्ट लेवल तक क्रिएट सकते, मतलब बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग को अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद नीचे सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। फिर ऊपर सर्च का आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च करना है SMR गेम, ठीक है। SMR वीडियो भी लिख सकते हैं, गेम भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे दो यहाँ पे जो ऐप है वो इंस्टॉल किया हूँ, एक तो ऊपर वाला ये वाला ऐप है, ठीक है, और एक ये वाला ऐप है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दो ऐप क्यों इंस्टॉल किया हूं, तो देखिए मैं अभी बताया था ना यूनिक तरीका, तो आप लोग 2-3 ऐप यूज करिएगा, क्योंकि आज इस ऐप से कर रहे हैं तो कल इस ऐप से करेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो मिक्स होगा और बेहतरीन कंटेंट बन जाएगा, एक यूनिक तरीके से बन जाएगा। तो आप लोग 2-3 ऐप यूज करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे एक ऐप ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे वीडियो आता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आप लोग, नीचे जितना भी ऐप है आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है, कभी भी ये देखिए पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी इसको ओपन करिएगा तो आप लोग अपने डाटा को ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि डाटा को अगर ऑन करेंगे तो नीचे या ऊपर कभी काल ऐड देखने के लिए मिलेगा। तो कभी भी करिएगा, यहाँ पे पहले एज मांगेगा आपसे, एज आप लोग को डाल देना कितना एज है आपका। तो मान लेता हूँ मैं 30 डाल देता हूँ, यहाँ पे 30 मैंने डाल दिया। अब यहाँ देखिए प्ले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्ले पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा साउंड मैं कम कर देता हूँ। यहाँ देखिए अब ये सेम उसी तरह से आया, अभी देखते रहिएगा। अब यहाँ आया ना, तो अभी यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, यहाँ देखिए इसको लाना है। अब यहाँ देखिए इस तरह से कर देना है, फिर इस तरह से यहाँ करना है, ये भी हो जाएगा, डन हो जाएगा। फिर इस तरह से यहाँ लाना है, डन हो जाएगा।
अब यहाँ होने के बाद अब देखिए आप लोग को यहाँ पे कैंची दिखाई देगा, तो अब देखिए यहाँ पे लाना है इसको इस तरह से पकड़ के इसके जो मवाज है उसको बाहर निकाल देना है, इस तरह से आप लोग को निकालना है, फिर इसको भी निकाल देना है। इतना निकालने के बाद अब देखिए आप लोग को भाई यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए मेरा डाटा ऑन था तो नीचे देख सकते हैं आप लोग जोमेटो का एक ऐड आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से डाल दे रहा है, ये आँख हो जाएगा है, इसके चेहरे को भाई ठीक करना है तो आप लोगों को इसी तरह से करते जाना है, करते जाना है। और आप लोग का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑन हो, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है जैसे मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सेम इसी तरह से आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। आप लोगों को अपना मोबाइल के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देना है और इस ऐप को ओपन कर देना, और उसके बाद भाई यहाँ पे साफ करते जाना, यहाँ पे कलेक्शन भी ऐड होगा, आपका भाई पैसा भी बनेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि भाई फ्री फंड होगा, यहाँ पैसा भी देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐड आएगा, तो एक स्टेप हुआ ऐड आया, फिर दूसरा स्टेप आएगा फिर ऐड आएगा, मतलब जब नेट ऑन रहेगा तब ऐसे नहीं आएगा, और फिर तीसरा स्टेप फिर ऐड आएगा। तो आप लोगों को मैं एडिटिंग इसीलिए बताया हूँ कि अभी भाई क्रिएट करना है उसको, आप लोगों को जिस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो इसको क्रिएट करना है। यानी कि सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, यहाँ पे बैक कर देता हूँ, बैक करने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे छोटा सा ऐड था, ज़्यादा ऐड नहीं है, अब इसको भी मैं बैक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ दूसरा स्टेप आ गया है, ठीक है, लेकिन वीडियो तो वही वाला है लेकिन स्टेप दूसरा आएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह से पकड़ के इसको दबाना है, देख सकते हैं यहाँ पे बता भी रहा है किस तरह से दबाना है। अब यहाँ दबाने के बाद देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से इसको मिटा देना है, इस तरह से मिटाना है, यहाँ पे मिटा देना है, इस तरह से मिटाने के बाद अब दोबारा पट्टी लाएगा, यहाँ पे फिर मवाजी को इस तरह से निकालना है, देख सकते हैं ब्लड वाले को यहाँ निकाल के फिर दोबारा आपको देगा, तो इस तरह से फिर आपको इस तरह से कर देना है, इसी तरह से आप लोगों को करते जाना, और जो बीच में ऐड चलता जा रहा है उस पार्ट को कट करते करते बीच में इसको एक्टिविटी अपना ऐड करना है। तो अभी कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ, तो इसी तरह से आप लोगों को कर लेना। अगर मैं पूरा यहाँ पे बताने लगूंगा तो जो वीडियो का लेता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं ऑलरेडी पहले से एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है, करने के बाद डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है कट कर देना है। अब डायरेक्ट कट करने के बाद अब आप लोगों को करना है क्रिएट। तो दोस्तों देखिए क्रिएट करने का सही तरीका बताऊंगा आप लोगों को एक यूनिक तरीके से, आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं अपने मोबाइल के अंदर काइन मास्टर को ओपन करता हूँ, क्योंकि काइनमास्टर के अंदर ही एडिट करने का तरीका बताता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इजी ऐप होता है। तो यहां देखिए ऊपर क्रिएट नी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे पहले आप लोगों को क्लिक कर देना। अगर बाय द वे कोई छोटा क्रिएटर होता है तो उसको इस तरह का भाई आइकन दिखाई देता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्रिएट न्यू नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, जब इस पर क्लिक करेंगे तब दिखाई देगा क्रिएट न्यू का, तो आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर रेशियो चॉइस करने के लिए बोलेगा, तो लॉन्ग रेशियो पर पहले आप लोग मत करिएगा, शॉर्ट वीडियो पर काम करिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पर करेंगे जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा तब आप लोग लॉन्ग वीडियो में कन्वर्ट हो जाइएगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे 9:16 का रेशियो जो दिखा रहा है उस पर आप लोग को क्लिक करना है, सिलेक्ट करके फिर नीचे क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप लोगों को इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए वीडियो एडिटिंग ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा और एक यूनिक तरीके से आप लोग वीडियो को क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मीडिया का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अभी आप लोग जो गेम खेलकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया उसको यहाँ पे ऐड करना है, फिर क्रॉस वाले पे क्लिक करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद लास्ट पॉइंट पे लेकर जाएगा, तो एक बार डिस्प्ले पे टच करना है और प्ले कर देना है, प्ले करते ही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। अब वीडियो वाले लेयर पे आप लोग को क्लिक करना है, ये स्टॉप हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना है कि आपका जो वीडियो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यह फालतू का पार्ट आप लोगों को मतलब डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके इस तरह से देखता हूं कि हमारा जो वीडियो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैं यहीं पर रोक देता हूं। रोकने के बाद अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में कैंची का एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैं दोस्तों आप लोग को स्टार्टिंग में बता दूं अगर इस पर क्लिक नहीं रहेगा तो यह ऑप्शन दिखाई देगा, अगर आप लोग लेयर पर क्लिक करेंगे तभी वो ऑप्शन आएगा। तो अब आने के बाद राइट साइड में कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रिम लेफ्ट कर देना है। अब करने के बाद आप लोग को लास्ट पॉइंट पे जाकर देखना है कि आपका जो वीडियो है वो कहां तक यहां पे बन चुका है, देख सकते हैं हमारा जो वीडियो यहां पे लास्ट खत्म हो रहा है 53 सेकंड तक। अब यहां पे रोकने के बाद आप लोग को राइट साइड में ही ट्रिम राइट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसी पे आप लोग को क्लिक कर देना, नीचे वाले पे सेकंड नंबर पे। अब ये फालतू का दोनों तरफ से पार्ट कट गया है, अब कटने के बाद देखिए 53 सेकंड का ये वीडियो है। अभी दोस्तों वाला जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाया हूँ स्टार्टिंग में उस पर अगर आप लोग को मान लेता बीच में ऐड आ गया तो बीच का पार्ट कैसे कट करना है, तो उसके लिए मान लेता हूँ इस साइड में और इस साइड में मुझे बीच का 2 सेकंड का पार्ट गायब करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मैं इधर आ जाता हूँ ताकि हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा इस अच्छी तरह से हो जाए। अब देखिए यहीं पे मैं रोक कर और मान लेता हूँ बीच का 1 सेकंड पार्ट निकालना है, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है स्लिप पे क्लिक करना है, स्लिप पे क्लिक करने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करके इतना मान लेता हूँ मुझे इतना हटाना है तो इतना मैं रोक के ट्रिम लेफ्ट कर देता हूँ। अब देखिए बीच का जो पार्ट है कट गया है, तो इसी तरह से आप लोगों को उसको भी करना है अगर बीच में कभी कल ऐड आ जाता है तब, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बोल दिया हूँ कि कभी भी आप लोग इस ऐप को ओपन करिएगा किसी भी जो भी जितना करेंगे वो भाई नेट जो है उसको ऑफ करके करिएगा,
तो ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा, कभी कल देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर नेट ऑन रहेगा तो ऐड देखने के लिए मिलेगा। तो अब आप लोग को करना क्या, देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे वीडियो वाला लेयर जो है उसी पे क्लिक करना है। साइड में आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को इसको जूम करना है, तो जूम करने के लिए नीचे जाना है और पेन एंड जूम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैं एरो डाल देता हूँ, उस पर क्लिक करना है, फिर इक्वल पर क्लिक करना है और इसको इस तरह से जूम कर देना है। देखिए इस तरह से जूम कर देना है, थोड़ा नीचे ला देना इस तरह से, क्योंकि हमें तो चेहरा ही सिर्फ दिखाना है। अब करने बाद आप लोग को इस तरह से स्क्रॉल करके देखना है कि कोई वाटरमार्क तो नहीं है, तो ये वाटरमार्क कोई मायने नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको भी आप लोग थोड़ा जूम कर सकते हैं, तो नीचे आना है और पेन एंड जूम पे फिर दोबारा क्लिक करके इसको भी इस तरह से जूम कर देना। देखिए इस तरह से जूम कर देना, ये देखिए एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा हो गया। थोड़ा मैं जूम और आउट कर दूँ, देख सकते हैं। अब हमारा चेहरा पर सिर्फ यहाँ पे क्लीन करना है, तो चेहरे का सिर्फ यहाँ पे हमें लाना है, ठीक है। अब लाने के बाद देखिए बैक आना है फिर दोबारा इस वाले लेयर पे, क्योंकि हम लोग दो बारी कर दिए हैं। पहले ही आप लोग स्टार्टिंग में जूम कर लीजिएगा ताकि आप लोग को बार बार ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं इसको भी जूम कर देता हूँ, तो उसके लिए आप लोग को फिर दोबारा क्लिक करके पेन एंड जूम पे जाना है और इक्वल पे आप लोग को जरूर क्लिक करना है, क्योंकि इक्वल पे नहीं क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग में जूम होगा, लास्ट में जूम आउट हो जाएगा। तो इक्वल पे क्लिक करके इसको भी आप लोगों को इस तरह से जूम कर देना, देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये जूम हो गया है। अब होने के बाद आप लोग क्या करना, बैक जाना है। अब बैक आने के बाद इस तरह से स्क्रॉल करके देख लेना है कहीं वाटर मार्क तो नहीं है, तो आप देख सकते हैं कोई वाटर मार्क नहीं है। अब इतना करने फर्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है और नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों के फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, फिल्टर पे जाना है और कोई भी एक फिल्टर ऐड करना है, क्योंकि भाई हमें यूट्यूब कोडिंग के हिसाब से चलता है तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो फिल्टर पे क्लिक करके थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, तो आप लोग को मैक्सिमम 30 उस पर कर देना है। फिर लास्ट वाला जो सेकंड नंबर पे, उस पर भी क्लिक करके फिल्टर पे जाना है। मैं यहाँ पे दो बारी कर रहा हूँ, अगर एक ही लेयर में रहेगा दो बारी नहीं करना पड़ेगा, तो पहले ही आप लोग ये काम कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी मैं 30 पे कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 30 पे हो चुका है, 29 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना करने बाद देखिए आपका वीडियो क्रिएट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग अपना एक्टिविटी भी ऐड करिएगा, जैसे कि आप लोग अपने चैनल का नाम लगाना है। तो जैसे कि अगर आप लोग नाम लगा देंगे तो कोई आपका वीडियो कॉपी नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए लेयर पे क्लिक करना है, फिर टैग्स पे क्लिक करना है, और मेरे चैनल का नाम है सोनू पासवान, तो मैं यहाँ पे सोनू पासवान लिख देता हूँ। लिखने बाद आप लोग को क्या करना, थोड़ा सा नीचे ला के इस तरह से, और आप लोग को क्या करना, नीचे आना है, अल्फा का ऑप्शन दिखाई देगा, अल्फा पे क्लिक करना है और ओपेसिटी को इसको इस तरह से थोड़ा डार्क कर देना है ताकि किसी की आंखों में चुभे ना, 50% पे कर देना है। फिर बैक जाना है, बैक जाने इसके लेयर को जितना आपका वीडियो है उतना आप लोग को इस तरह से खींचकर इसको इक्वल कर देना है, देख सकते हैं इस तरह से इक्वल कर देना है। थोड़ा और मैं इक्वल कर दूँ तो यहाँ देख सकते हैं। इक्वल करने बाद अब आप लोग को स्टार्टिंग पे जाना है। ये भाई 95% हो चुका है, अभी 5% बचा है, वो है वाइज ओवर। तो अभी आप लोग को वाइज ओवर भी थोड़ा कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है, स्टार्टिंग में लास्ट में कर देना है, बस उतना ही आपका बहुत है। तो यहाँ पे वाइज ओवर करने के लिए REC का एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैं एरो डाल देता हूँ, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, जब आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तभी यहाँ पे वाइज ओवर होना स्टार्ट होगा। मैं आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग मुझसे भी बेहतर करिएगा, यूनिक तरीके से करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को एग्जांपल दिखा रहा हूँ। दोस्तों इस लड़की का चेहरा यहाँ पे इतना बुरी तरह से झुलस गया है कि इसको आइए देखते हैं हम 3D एनिमेशन से कैसे ठीक किया जाता है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे बोल देना है। बोलने के बाद आप देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए उसी लेयर पे क्लिक है तो साइड में मिक्सर का ऑप्शन दिखा देगा, उस पर क्लिक करके 100 इसको 200 कर देना, क्योंकि आपका जो साउंड है वो बढ़ जाएगा। और इसको ऑन करके बैक आना है। बैक आने के बाद एक बार मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ से मेरा वॉइस ओवर है, मैं थोड़ा साउंड बढ़ा देता हूँ। यहीं से स्टार्ट हुआ तो यहीं पे रोक देता हूँ। रोक कर नीचे जाना है, उसी लेयर पे क्लिक करके कैंची क्लिक करना है, ट्रिम लेफ्ट कर देना है और इसको प्रेस करके इस तरह से स्टार्टिंग में मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद आप देखिए यहाँ पे दोस्तों इस लड़की का चेहरा यहाँ पे इतना बुरी तरह से झुलस गया है कि इसको आइए देखते हैं हम 3D एनिमेशन से कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं पूरा अगर वॉइस ओवर करना तो पूरा भी कर सकते हैं, चाहते हैं अगर मतलब स्टार्टिंग में लास्ट में करना तो लास्ट और स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके चैनल पर आएगा। लेकिन आप लोग पूरा कर दीजिएगा इसी तरह से, बस आप लोग को बताना है कि यहाँ पे इसको निकाला जाएगा, उसको निकाला, इस तरह से बताना है। अब इतना सब कुछ करने बाद आप लोगों को इसको सेव करना है। देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर देना है आप लोगों को, और जो इसका साउंड है आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, वीडियो पे क्लिक करके मिक्सर पे जाना है, 100 है तो इसको आप लोगों को थोड़ा डार्क में रखना है, 50% या 60%। और इतना करने के बाद आप लोग को बैक आना है, बैक आने के बाद फिर बैक आ जाना है। अब ये आपका वीडियो क्रिएट हो चुका है, राइट साइड में एरो का एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि हमारा वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा लंबा हो गया, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में एरो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने यहाँ पे फ्रेम रेट पूछा जाएगा, तो शॉर्ट वीडियो है तो 1080 पिक्सल पे रख लेना, और यहाँ पे सॉरी दोस्तों रेजुलेशन और फ्रेम रेट जो है वो 60 पे कर देना है। उसके नीचे ब्राइटनेस का एक ऑप्शन दिखा देगा, तो मैक्सिमम आप लोग को 15 या 16 पे कर देना है। फिर राइट साइड में सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। अब ये जो वीडियो है ना आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार आए अपने भाई को सपोर्ट नहीं किए हैं तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा बाय बाय।